चारवाक ने वेद को नहीं माना, बहुत बड़े विद्वान हुए चारवाक, उसने वेद को नहीं माना। उसका सिद्धांत था यावत जीवेत सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जेब में पैसा नहीं है तो ऋण करके भी घी पियो। क्या भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मर जाएंगे चला दिया जाएगा, दोबारा आना ही नहीं है, जो जिससे लिए उसको दे। खूब ऋण करके घी पियो, बढ़िया बढ़िया खाओ, खूब कर्जा हो। लेकिन नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि दोबारा फिर जन्म होगा। हम कहते हैं एक बालक माँ के उदर में रहता है और माँ भीख मांग रही है, तो बेटा खाकपति है। और एक बालक माँ के उदर में है और माँ अरबपति है, तो बेटा भी अरबपति हुआ ना, कोई कर्म नहीं है तो क्या है। यहां जो भी लोग जैसा कर्म करते हैं वेदों में ऐसा है, ये वेद का सिद्धांत है। और भारतीय संस्कृति का जो मूल स्तंभ है वो वेद है। वेद नहीं होता तो भारतीय संस्कृति नहीं होती, और भारतीय संस्कृति नहीं होती तो फिर सभ्यता कहां से होती। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने वेद मंत्र को उद्धृत किया है कि देखिए मैं आस्तिक हूं और आने वाला समय हमको कोई नास्तिक नहीं कह सकता। संत मत वेदों पर टिका हुआ है। वेद क्या है? वेद से ही उपनिषद निकली है। हम लोग डेली गाते हैं संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, है ना? कहते हैं ना, संत मत की मूल भित्ति, मूल स्तंभ, फाउंडेशन उपनिषद है। उपनिषद पर संत मत खड़ा है और उपनिषद वेद से निकली है। वेदांत और उपनिषद को ही कहा जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपने विचार में मैं इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है कि मैं अपने विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता, और मेरे विचारानुकूल जो चलेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरु महाराज का ज्ञान इतना ठोस ज्ञान है ना। ये कहां कहा था? हरिद्वार में कहा था, विद्वानों के बीच में कहा था। देखिए संत मत की साधना पद्धति देखिए हमारे गुरु महाराज, पहले वेद मंत्र दिए हैं चार, मतलब चार वेद के प्रतीक है चार वेद मंत्र, उसके बाद उपनिषद मंत्र है। तो वेद में भी साधना है, ध्यान है, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने वेद मंत्र को उद्धृत करके और ध्यान को निकाला है उसमें। इसमें प्रसंग है, हमारे गुरु महाराज के पास एक विद्वान आए और उसने गुरु महाराज से कहा हमसे आप शास्त्रार्थ कीजिए। गुरु महाराज ने कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। विनम्रता देखिए गुरु महाराज की, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर कहिएगा तो नन मैट्रिक कह सकते हैं क्या, मैट्रिक के एग्जाम ही दे रहे थे और लिख दिया दे धरे कर फलिया भाई भजिए राम सब काम व्याये। भगवान का भजन करो सब काम आराम से चलेगा। गुरु महाराज ने लिख दिया सफेद कापी में और बस चलते बने। तो गुरु महाराज ने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हो नहीं। कहा नहीं, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है महाराज, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, हमसे आप शास्त्रार्थ के लिए
अगर मैं पराजित हो गया तो मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य बनूंगा, और आप पराजित हो गए तो सारे शिष्यों के समेत आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु महाराज विनम्रता दिखा रहे हैं, वो विद्वान समझ ही नहीं पा रहे हैं, नहीं हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे। वो भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है उसमें बड़ा अच्छा एक श्लोक है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द एक जाल है, इसे मकड़ा जला बनाता है ना, और चित्त भ्रमण कारणम हमारे चित्त को भटकने का एक वन की तरह है। बहुत शब्द हो जाएगा तो लोग उसमें भटक भी जाते हैं। देखिए हमारे क्षेत्र में एक विद्वान है, डबल एमए किया है, कितना संप्रदाय में वो भटका, कहीं दीक्षा लेता ही नहीं था वो, न पान खाता है, न सिगरेट पीता है, न मांस मछली खाता है, सब ठीक ठाक है, एकदम शुद्ध है, और डॉक्टर भी है, बहुत संप्रदाय में घूमा। कहा बाबा सब संप्रदाय वाले तो यही बोलते हैं कि मेरे में आ जाइए, हमारा संप्रदाय बहुत अच्छा है, हम किस में जाएं, हम सबका सत्संग सुनते हैं, बहुत ग्रंथ अध्ययन हमने किया है, आप भी तो वही बोलते हैं मेरे संप्रदाय में आइए, मेरा संप्रदाय बहुत बड़ा है, हमारे गुरु महाराज बहुत महान है, आप भी तो यही बोलते हैं। हमने कहा आप छोड़ दीजिए सब संप्रदाय की बात, उनको मैंने कहा, और सब ग्रंथ की बात आप छोड़ दीजिए, 18 पुराण है, 18 तरह की बात है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, पर विद्वान भी है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टा द्वैत है, त्रैत है, त्रेता त्रैत है, सब विद्वानों का अलग अलग कहना है। आपसे मैं कहता हूं सब ग्रंथ की बात छोड़ करके, आप शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं, बोलिए। कोई कहेगा अशांति, कोई ऐसा बोल सकते हैं कि 1 घंटा शांति मिल गई उसके बाद टेंशन में जिए 23 घंटे, कोई ऐसा है? उनको मैंने कहा आप शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। मैंने कहा शांति चाहते हैं तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान की जो प्रक्रिया है हमारे गुरु महाराज का अभी तरोताजा है, कोई मिलावट नहीं है। मिलावट होती है कि नहीं? बहुत मिलावट होती है, और मिलावट वाले एकदम बैनर बहुत तगड़ा रखते हैं, बैनर को एकदम चमकेगा है ना बैनर। हमारे गुरु महाराज का बैनर बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन वस्तु जो है उसमें कोई मिलावट नहीं है। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, ये कीजिएगा तो आपको शांति मिलेगी, आप करके देखिए।